નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ ઓલ? સ્ટાન્ડર્ડ 3 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ, યુનિટ 9, મુલ્લા નસરુદ્દીન. તો લાસ્ટ પ્રીવિયસ વિડિયો મેં હમને મુલ્લા નસરુદ્દીન ઓર ઉસકે નેબર્સ કી સ્ટોરી દેખી થી. સો નાવ લેટ્સ સ્ટાર્ટ એક્ટિવિટી 4. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 1. What did Mulla's brother-in-law ask? How did Mulla reply? उसका आंसर आएगा, Mulla's brother-in-law asked that I wanted a loan of 300 rupees. Mulla के brother-in-law यानी उसके जीजा ने ये पूछा कि I wanted a loan of 300 rupees. मुझे 300 rupees की लोन चाहिए. And he यानी Mulla replied, go away and don't do not bother me. यहाँ से चला जा और मुझे परेशान मत कर. Number 2, why was Mulla's neighbor sad? The answer is, Mulla's neighbor was sad because a lack of space in his house. उसके घर में जगह की कमी है, यानी उसके घर में enough space नहीं है. It is such a small house. उसका घर वाकई में बहुत छोटा है. Question number 3. What was Mulla's advice to his neighbor? The answer is, Mulla advised to his neighbor to move the animals out of his house. सारे प्राणियों को, सारे एनिमल्स को अपने घर से बाहर निकाल दे. Number 4. How did Mulla solve his neighbor's problem? The answer is, Mulla Nasruddin first advised to keep all the animals inside the house. Mulla Nasruddin ne pehle advice di thi ke sare animals ko ghar ke andar rakhe. And then said to move all the animals outside the house. Aur uske baad kaha ki ab sare animals ko ghar ke bahar nikal dena hai. So there was enough space in his house. तो अभी इस घर में enough space, बहुत सारी जगह हो गई. जितनी जगह की जरूरत थी उतनी जगह इस घर में हो गई. So in this way, Mulla solved his neighbor's problem. So इस तरीके से Mulla Nasruddin ने अपने पड़ोसी की प्रॉब्लम सॉल्व की. तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 4 कंप्लीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 5. स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल. तो यहाँ पे हमें एक अकबर और बीरबल की स्टोरी दी गई है. तो चलो हम उसे रीड करते हैं. वन फाइन डे अकबर लॉस्ट हिज रिंग. एक अच्छा दिन था तब अकबर ने उसकी रिंग को खो दिया था. उसकी रिंग खो गई थी. When Birbal arrived in court, Akbar told him. जबी बीरबल अपने कोर्ट यानी अपने दरबार में पहुंचे तभी अकबर ने उसे कहा. क्या कहा, चलो हम देखते हैं. I have lost my ring. My father had given it to me as a gift. मैंने मेरी एक रिंग यानी कि अंगूठी. देख रहे हैं आप सब? Yes, मैंने मेरी अंगूठी खो दी है जो मेरे पिताजी ने मुझे एज अ गिफ्ट उपहार दी थी. प्लीज हेल्प मी फाइंड इट. चलो मुझे प्लीज हेल्प कर दो इसे खोजने में तो मैं मेरी अंगूठी खोज सकूं यानी कि फाइंड कर सकूं. बीरबल सेड, डू नॉट वरी योर मेजेस्टी, आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ. आप चिंतित मत होइए महाराजा, मैं आपकी रिंग अभी ही राइट नाउ अभी ही ढूंढ देता हूँ. ही सेड, योर मेजेस्टी द रिंग इज हियर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ. महाराजा आपकी रिंग यहाँ इसी कोर्ट में है. इट इज विद वन ऑफ द कोर्टियर्स. वो रिंग एक दरबारी के पास है या उस दरबारी के साथ है. तो आपको आइडिया आ रहा है कि किसी दरबारी के पास ये रिंग होगी तो या तो उसको वो मिली होगी
या तो किसी कॉर्टियस ने उसको चोरी की होगी। यस, सो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। द कॉर्टियर्स हु हैज अ स्ट्रो इन हिज ब्रेड हैज योर रिंग। जिस दरबारी के ब्रेड में यानी जिसकी दाढ़ी में एक तिनका छोटा सा टपका स्ट्रो यानी तिनका होगा उसके पास आपकी रिंग है। द कोर्टियर हु हैड एम्परर्स रिंग वॉज शॉक्ड एंड इमीडिएटली मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज ब्रेड। जिस कोर्टियर के पास रिंग थी वो शॉक्ड हो गया, उसको झटका लगा। एंड इमीडिएटली मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज ब्रेड और तुरंत ही उसने क्या किया, उसने अपने दाढ़ी पे हाथ लगाया कि मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं है ना। बीरबल नोटिस्ड दिस एक्ट ऑफ द कोर्टियर। बीरबल ने इस कोर्टियर पर गौर किया कि एक्शन पे देखा कि वो क्या कर रहा है। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टूवर्ड्स द कोर्टियर एंड सेड, उसने उस दरबारी की ओर पे इशारा किया और बोला प्लीज सर्च दिस मैन ही हैज द एम्परर्स रिंग, प्लीज इसे सर्च करो। यानी कि हम बोलते हैं ना इसकी तलाशी लो, इसको चेक करो कि इसी के पास एम्परर्स रिंग यानी सम्राट की रिंग होगी। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बीरबल हैड मैनेज्ड टू फाइंड द रिंग। अकबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल किस तरह से ये मैनेज कर रहा है रिंग ढूंढने में। अकबर को बीरबल की ये युक्ति समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे ये ढूंढेगा। बीरबल then told अकबर that a guilty person is always scared, जो दोषी होता है जिसने कुछ गलत किया होता है वो हमेशा डरता है, always scared, वो हमेशा डरता है। तो यहाँ पे जैसे ही अकबर ने बोला था, जैसे ही सॉरी बीरबल ने बोला था कि जिसके ब्रेड में स्ट्रो है वो उसके पास रिंग है, तो जिसके पास भी रिंग थी वो शॉक्ड हो गया, डर गया। क्यों? क्योंकि वो अभी पकड़ा जाएगा, तो उसने अपने दाढ़ी ब्रेड को चेक किया कि मेरे ब्रेड में तो तिनका नहीं है। तो ये एक्शन उसने देख ली और पता चल गया कि इसी के पास रिंग है। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। एंड लास्ट एक क्वेश्चन दिया गया है, थिंक दैट द किंग अकबर गेव यू द टास्क ऑफ फाइंडिंग हिज रिंग। सोचो कि अगर किंग आपको ये रिंग ढूंढने को कहते, आपको ये फाइंड करने को बोलते, व्हाट वुड यू प्लान टू फाइंड आउट द रिंग। रिंग का पता लगाने के लिए आप कौन सा प्लान बनाते, आप कौन सी ट्रिक अपनाते, कैसे इस रिंग को आप ढूंढ पाते। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 5 अकबर और बीरबल की स्टोरी कंप्लीट होती है। सो एक्टिविटी 5 में हमें कुछ फ्रेज दिए गए हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फ्रेज, उसमें एक एग्जांपल दिया गया है द किंग ऑफ द एम्परर। तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पीछे से सेंटेंस को बनाएंगे। द एम्परर्स, आंसर क्या आएगा? द एम्परर्स रिंग। यस, द एम्परर्स रिंग। ऐसे हमें नीचे बहुत सारे फ्रेजेस दिए गए हैं, तो उसके आंसर हमें खुद बनाने होंगे। नाउ मेक सम फ्रेजेस। नंबर 1, द आइडिया ऑफ बीरबल। तो हम सेंटेंस पीछे से स्टार्ट करेंगे, बीरबल्स आइडिया। नंबर 2, द एडवाइस ऑफ द कोर्टियर। एडवाइस किसकी है? कोर्टियर की। यस, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, द कोर्टियर्स एडवाइस। नंबर 3, द पैलेस ऑफ किंग। पीछे से स्टार्ट करेंगे, किंग से। यस, द किंग्स पैलेस। नंबर 4, द डेन ऑफ द लायन।
डेन यानी गुफा, गुफा किसकी है? लायन की। आंसर इज द लायंस डेन। पीछे से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे द लायंस, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और लास्ट में डेन। तो यहाँ पे अब हमारी एक्टिविटी 5 कंप्लीट होती है, सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6। लिसन एंड रिपीट द फॉलोइंग पेयर्स आफ्टर योर टीचर। आपको ये पेयर्स सुनने हैं और फिर से रिपीट करने हैं। PAN पेन, PAME पेन, प्रोनाउंस सेम। WET वेट, WAIT वेट, वेट और वेट। FELL फैन, FAIL फैन। SELL सेल, SAIL शेल। TELL टेल, TALE टेल। PULL पुल, POOL पुल। CALL कोल, COOL पुल। BED बैड, BED बैड। MOPE मोप, MOPE मोप, सेम प्रोनाउंस। BEST बेस्ट, BEAST बीस्ट। SHIP शिप, SHEEP शिप। LIVE लाइव और LEAVE लीव। तो ये सारे प्रोनाउंस हुए एक्टिविटी 6 के। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 7। रिसाइट दिस साउंड्स अलोंग विथ योर टीचर। आपको ये ध्वनियों के कुछ ध्वनि यानी कुछ साउंड्स दिए गए हैं जो अपनी टीचर के साथ उसको पाठ करना है यानी रिपीट करना है। थंडर बूम्स, अ प्लेट क्लैटर्स, अ फोन रिंग्स, अ हॉर्न ब्लोस, अ लायन रोर्स, अ डोंकी ब्रेस, अ शिप ब्लीड्स, अ डॉग बार्क्स, अ कैट म्यूज़, अ हाउस सॉरी अ हॉर्स नेज, अ स्पैरो चिप्स, अ कॉक क्राउस, अ स्नेक हिसेस, अ मंकी चैटर्स, अ माउस स्क्वीज, अ बियर क्राउस, एन आउल हूट्स, अ काउ मूस, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। सो ये सारे साउंड्स हुए, आप इसे घर पे रिपीट कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड एक्टिविटी 4, 5, 6 एंड 7। Thank you for joining us.